प्रभात प्यारे बच्चों, आठवीं क्लास के सभी छात्रों का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज हम दसवां अध्याय गुणाह पूजा स्थानम, गुण ही पूजा के स्थान है, ये पढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चित्र, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुए, उन्हीं पर आधारित है ये अध्याय। अष्टमी कक्षा, आठवीं की कक्षा, संस्कृतस्य कक्षा, संस्कृत की कक्षा। सर्वे छात्राः कक्षायां, सभी छात्र कक्षा में, परस्परम आपस में, चर्चायां मैंने बात करने में, मग्नाः सन्ति, मगन है या लीन है। शाम्पटे एका सूक्ति लिखिता अस्ति, शाम्पट पर एक सूक्ति लिखी हुई है, एक अच्छी बात लिखी हुई है। गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु, गुणी लोगों में गुण ही पूजा के स्थान है। न च लिंगम, पुरुष या स्त्री होने से कोई पूजनीय नहीं होता। न च वयः, और आयु में बड़ा या छोटा होने से कोई पूजा के योग्य नहीं बनता। आइए आगे बढ़ते हैं। तदैव मान्यवराः संस्कृतस्य अध्यापकाः कक्षां प्रविष्टि। तदा एव, मैंने उसी समय, मान्यवर मैंने आदरणीय संस्कृत के अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः, सभी छात्र, उत्थाय उठकर, वयम् प्रणमामः मान्यवर, हे मान्यवर, हम आपको नमस्कार करते हैं। आचार्यः, आचार्य, सुखिनाः भवन्तु, आप सुखी रहें। शुभ पंथाः तिष्ठन्तु, शुभ सही पंथा मार्ग पर तिष्ठन्तु मैंने रहें, अर्थात आप अपने जीवन में सदा सत्य मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलते रहें। सर्वे उपविशन्ति, सब बैठ जाते हैं। जिज्ञासया च आचार्यं पश्यन्ति, और जिज्ञासा से आचार्य को देखते हैं। आचार्यः सर्वान् दृष्ट्वा, आचार्य सबको देख करके, किम भवन्तः किंचित विशिष्टं कथयितुम् अथवा ज्ञातुम् इच्छन्ति, क्या आप कुछ विशेष कहना अथवा जानना चाहते हैं। किम, क्या भवन्तः, आप किंचित कुछ विशिष्टं मैंने विशेष, कथयितुम् कहना अथवा ज्ञातुम् इच्छन्ति या जानना चाहते हैं। सर्वे मिलित्वा, सब मिल करके, आम मान्यवर, हाँ आदरणीय, वयम अस्माकम पूर्व राष्ट्रपति महोदया नाम जीवनस्य विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम, वयम, अस्माकम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदया नाम महोदय के जीवनस्य विषय, जीवन के विषय में ज्ञातुम इच्छामः, मैंने जानना चाहते हैं। कृपया वदन्तु, कृपा करके बताइए। आचार्यः अतीव शोभनम, बहुत अच्छा, अवश्यमेव कथयिष्यामि, अवश्य ही कहूँगा। प्रारंभे अहम कथयिष्यामि, आरंभ में मैं कहूँगा। मध्ये मध्ये भवन्तः पृच्छन्तु, बीच बीच में आप पूछ लें। आठवीं कक्षा, संस्कृत की कक्षा, सभी छात्र कक्षा में बातचीत करने में मग्न है। श्यामपट पर एक सूक्ति लिखी हुई है, गुण ही पूजा के स्थान है। आयु और जो है पुरुष स्त्री होने से कोई पूजनीय नहीं होता, आयु में बड़ा होने से या कोई पुरुष होने से अथवा कोई स्त्री होने से पूजनीय नहीं होता, बल्कि गुणों से ही कोई भी आदमी पूजनीय होता है। तभी मान्यवर संस्कृत अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं, सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। उठकर हम आचार्य को नमस्कार करते हैं, आचार्य आशीर्वाद देते हैं, सुखी रहें, आपके जीवन मंगलमय हो, आप सही रास्ते पर चलें। सर्वे उपविशन्ति, सब बैठ जाते हैं। जिज्ञासा से आचार्य को देखते हैं। आचार्य सबको देख करके, क्या आप कुछ विशेष कहना अथवा जानना चाहते हैं। सब मिल करके बोलते हैं, हाँ मान्यवर, हम अपने पूर्व राष्ट्रपति महोदय के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, कृपा करके बताइए। आचार्य कहते हैं, बहुत अच्छा, अवश्य ही कहता हूँ, कहूँगा। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप बीच बीच में बोलेंगे। प्रश्न देखिएगा, केषु गुणाः पूजा स्थानम भवन्ति, केषु गुणा, केषु केषु गुणिषु, गुणी लोगों में गुण पूजा के स्थान होते हैं। का कक्षा अस्ति, अष्टमी कक्षा अस्ति, कस्य कक्षा अस्ति, संस्कृतस्य कक्षा अस्ति। छात्राः कक्षायां, कस्यां मग्ना सन्ति, चर्चायां मग्ना सन्ति। दूसरा है, श्यामपटे का लिखिता अस्ति, श्यामपटे एका सूक्ति लिखिता अस्ति। कः मान्यवरः कक्षां प्रविष्टि, संस्कृतस्य अध्यापकः कक्षां प्रविष्टि। के आचार्यं नमन्ति, छात्राः आचार्यं नमन्ति। आचार्य सर्वान् दृष्ट्वा किम कथयति,
किम भवंता है किंचित विशिष्टम कथयितुम अथवा ज्ञातुम इच्छन्ति इति कथयति। इसके पश्चात है विशेषण और विशेष्य। सर्वान विशेषण है, छात्रान विशेष्य है। इनमें से विशेषण को विशेषण में लिखेंगे, विशेष्य को विशेष्य में लिखेंगे। एका विशेषण है संख्यावाची विशेषण और सूक्ति विशेष्य है। सर्वे छात्राः वयम् प्रणमामः मान्यवर। यहाँ पर इति वाक्य, इस वाक्य में प्रणमामः इस क्रिया का कर्ता बताइए, तो इसका अर्थ करता है वयम। तो यहाँ तक आप इसकी हिंदी लिखेंगे और इसको तैयार करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर लिख लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। धन्यवाद।